तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, जिसमें चारों भुजा की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा, तो वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ध्यान रखना है कि चार भुजा से घिरी हुई आकृति जिसमें चारों भुजा की लंबाई समान हो और कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो वह क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और वर्ग का हम चार भुजा लिख दिए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा, या उसको हम भुजा स्क्वायर कहते हैं। और परिमाप बराबर क्या होता है, चार गुने भुजा। अगर आपको दिया हुआ है किसी वर्ग का, किसी वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, भुजा स्क्वायर, अर्थात 10 गुने 10, क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 10 गुने 10 अर्थात 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दो बार सेंटीमीटर आएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यह क्षेत्रफल निकल जाएगा। परिमाप बराबर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर की एक भुजा है, परिमाप बराबर क्या होगा, चार गुने भुजा, तो भुजा कितना है 10, तो कितना हो जाएगा परिमाप, 40, और सेंटीमीटर में है तो 40 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत इतना। अगर जिस प्रकार से आयताकार में पढ़ाए हैं कि इसके चारों तरफ हमको तार लगाना है, तो चारों तरफ तार लगाएंगे तो किसकी बात कर रहे हैं, परिमाप की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, परिमाप की बात कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से आपको परिमाप निकाल लेना है और उसमें जितना रुपया खर्च हो रहा है प्रति मीटर या प्रति सेंटीमीटर या प्रति फीट, उससे वह गुना हो जाएगा, बस इतना ही करना है। अगर आयत की बातें समझ में आ गई तो वर्ग में ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुने भुजा, और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, चार गुने भुजा। समझ में आया इतना बात। अब हम एक प्रश्न से इसको हल करते हैं।